सहायता मिलती है। जनन अंग संबंधी व्याधि और कब्ज से यह मुक्ति दिलवाता है और पाचन क्रिया संबंधी व्याधि और पेट दर्द से छुटकारा मिलता है। हो जाए दोनों घुटनों को फिर से एक बार खोल दें, श्वास अंदर रखते हुए दोनों नाभियों को एक बार खोल दें, नीचे ले जाकर श्वास अंदर रखते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर से ले जाकर इस आसन के अभ्यास से पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। दर्द वाले व्यक्ति को इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। दर्द वाले व्यक्ति को इस आसन को नहीं करना चाहिए। वापिस लौटे और वज्रासन कम हो जाते हैं, इसलिए दोनों काम को थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। लंबा लंबा काम को अगला अभ्यास दोनों काम को थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। लंबा लंबा काम को अगला अभ्यास है मरीज के आसन का अभ्यास। वस्त्र आसन के ऊपर से लाकर बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करें और दाएं ओर पीछे की ओर देखें। वस्त्र आसन के ऊपर से लाकर बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करें और दाएं ओर पीछे की ओर देखें। ये अभ्यास करने से हमारे लीवर को शक्ति मिलती है, हमारे पैनक्रियाज को शक्ति मिलती है, हमारे लीवर को और शुगर मिलती है, हमारे पैनक्रियाज को शक्ति मिलती है और शुगर को कंट्रोल करने में यह बहुत ही अधिक सहायता प्रदान करता है मिलता है, क्योंकि शुगर जो अपनी शक्ति के कारण वो नीचे की ओर अपने स्थान को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, नीचे की ओर अपने स्थान को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए।